का स्वागत है कुक विद शिवम में। दोस्तों हल्का हल्का बारिश का मौसम चालू हो गया है और इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म सूप मिल जाए तो क्या कहने। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल रेसिपी लेके आया हूँ जिसे कहते हैं मंचाओ सूप। बहुत ही ईजी बनाना, आप लोग बारिश के मौसम में सूप का जरूर मजा ले सकते हैं। तो आइए फिर बनाना सीखते हैं कैसे बनाते हैं मंचाओ सूप। तो दोस्तों मंचाओ सूप बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है 1/3 कप नूडल्स, इनके हम फ्राइड नूडल्स बनाएंगे। साथ ही में दोस्तों लिया है 2 चम्मच स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स, स्प्रिंग अनियन वाइट्स, 2 चम्मच फ्रेंच बीन्स, 2 चम्मच कैबेज, 2 चम्मच कैरेट, 2 चम्मच गार्लिक, 1/2 चम्मच चिली और 1/2 चम्मच जिंजर। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस और साथ ही में दोस्तों 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। तो इन सामान की हमको ज़रूरत पड़ेगी हमारी रेसिपी बनाने के लिए। तो आइए फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों जो हमारी नूडल्स थी उसको मैंने पानी के अंदर बॉईल कर लिया है और साथ में दोस्तों बॉईल करते हुए 1 चम्मच तेल इसके अंदर डाल दिया था ताकि ये चिपके नहीं। अब नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर हम लोग डाल देंगे हमारा 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने से दोस्तों जो हमारी नूडल्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। अगर आप लोगों के पास में कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप लोग इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। तो आप लोग कॉर्नफ्लावर या मैदा डाल के अपने नूडल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कोट कर लें। अब दोस्तों यहाँ पे एक पैन के अंदर मैंने तेल एकदम गरम कर लिया है। तेल को बहुत अच्छे से गरम कर ले दोस्तों, धुआंदार एकदम। और उसके बाद जो आपकी नूडल्स हैं जो हमने प्रिपेयर करी थी वो इसके अंदर डाल दे धीरे धीरे। दोस्तों सारी नूडल्स एक साथ ना डालें क्योंकि नूडल्स चिपक जाती है और अच्छे से कुक नहीं होती है। लगभग 2 से 3 मिनट आप लोगों को लगेंगे इसको कुक करने में, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती बिल्कुल इस तरीके से। और इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैं डाल दूंगा 1 बड़ी चम्मच तेल। दोस्तों लोहे की कढ़ाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कोई भी चाइनीज़ फूड बनाने में, तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी लोहे की कढ़ाई ले लें। जब तेल दोस्तों एकदम धुएँदार गर्म हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर हम लोग डाल देंगे हम लोगों की सारी वेजीज एक्सेप्ट स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स, क्योंकि दोस्तों स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स को कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको रॉ भी खा सकते हैं। अब दोस्तों सारी वेजीज इसके अंदर मैं डाल दूंगा और उसके बाद मैं इसको पकाऊंगा लगभग 2 से 3 मिनट तक, जब तक जो हमारी वेजीज हैं वो एकदम अच्छे से कुक हो नहीं जाती। लगभग 2 से 3 मिनट के बाद दोस्तों इसमें मैं डाल दूंगा मेरी सोया सॉस, साथ ही में मैं डाल दूंगा मेरी चिली सॉस। अब दोस्तों इसको फिर से हम 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे जब तक हमारी सॉसेस कुक नहीं हो जाती। अब दोस्तों इसके अंदर हम लोग डाल देंगे 1 चम्मच टमाटो केचप। ये प्योरली ऑप्शनल है दोस्तों, बट ये टेस्ट एनहेंसिंग का काम करती है इसलिए मैं इसको डाल देता हूँ। अब फिर से हम 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। अब नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर हम लोग डाल देंगे 1 कप पानी। दोस्तों पानी डालते वक्त घबराइएगा मत, ये जो पानी है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गाढ़ा कैसे होता है, तो आप लोग आराम से इसके अंदर पानी डाल दें। और पानी डालने के बाद इसमें डाल दें साथ ही में स्प्रिंग अनियंस। अब दोस्तों इसको जब तक पकाएं जब तक इसके अंदर एक बॉईल नहीं आ जाता। तो दोस्तों जैसे ही इसके अंदर बॉईल आ जाएगा इसके अंदर हम लोग डाल देंगे हमारे कॉर्नफ्लावर का पेस्ट। तो दोस्तों जो कॉर्नफ्लावर था उसको मैंने पानी के अंदर अच्छे से घोल लिया है। पानी के अंदर घोलने से दोस्तों जो कॉर्नफ्लावर होता है उसके लम्स नहीं बनते। इसके बाद इसको हम लोग हमारी कढ़ाई में डाल देंगे और लगभग 2 से 3 मिनट तक और उबालेंगे। तो आप लोग देखेंगे दोस्तों कि जो आप लोगों का मंचाओ सूप होगा वो एकदम डेंस होना चालू हो जाएगा और बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी पर पहुँच जाएगा। साथ ही में दोस्तों इसके अंदर मैंने थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल दिया था, तो आप लोग भी अपने हिसाब से इसके अंदर नमक डाल दें। तो दोस्तों हम लोगों का मंचाओ सूप रेडी है, इसको कर लेते हैं प्लेट। प्लेटिंग के लिए दोस्तों मैंने एक बाउल लिया है और उसके अंदर मैं डाल दूंगा मेरा मंचाओ सूप। साथ ही में इसके अंदर हम लोग डाल देंगे थोड़े से हमारे फ्राइड नूडल्स। तो दोस्तों हम लोगों का मंचाओ सूप रेडी है और देखिए कितना ज़्यादा बेहतरीन बना है ये। इसका टेक्स्चर तो देखते ही बनता है और साथ में दोस्तों इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो तो किसी भी अच्छे से अच्छे चाइनीज़ रेस्टोरेंट के मंचाओ सूप को भी बीट कर देगी। वाह वाह, अरे आप लोगों का भी तो यही है। अरे छोटी सी रेसिपी है, जाइए जाइए बनाइए, मिलते हैं अगले वीडियो में।